लेते हैं व्हाट इज़ फूड, डेफिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी, स्कोप ऑफ फूड सेफ्टी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फूड सेफ्टी। तो अब देखते हैं हम कि फूड क्या होता है, ठीक है। देन व्हाट इज़ फूड, तो फूड इज़ द समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। ये जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो एनर्जी हमारी एक्टिविटी के लिए, हमारी ग्रोथ के और हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए, चाहे वो ब्रीथिंग हो यानी सांस लेना हो, या फिर फूड का डाइजेशन हो, या हमारी बॉडी को वार्म रखना है यानी गर्म रखने हो, इन सभी के लिए हमें इस एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस एनर्जी के लिए हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है फूड से, ठीक है। यानी कि ये जो मटेरियल है, ये हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की रिपेयर और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये फूड कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ प्लांट से मिलने वाले हो सकते हैं, कुछ लाइफ स्टॉक यानी कि एनिमल्स से मिलने वाले हो सकते हैं, इस तरीके कई के तरीके के फूड होते हैं। अब बात करते हैं हम कि फूड सेफ्टी क्या हुआ, फूड हुआ, फूड खा रहा है तो उसकी सेफ्टी कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन यानी एक वैज्ञानिक अभ्यास होता है, जिसमें बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि फूड को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, फूड को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए यानी तैयार करना चाहिए, यानी कितने टाइम पर, कितने टेम्परेचर पर तैयार करना चाहिए। इसके अलावा फूड को किस तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना चाहिए। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको डीप फ्रिज में रखना पड़ता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको कम फ्रिज में रखना पड़ता है, कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रिज में नहीं कर सकते, फ्रीजिंग नहीं कर सकते, हॉट टेम्परेचर पे रखना होता। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये फूड सेफ्टी के द्वारा ही हम कर सकते हैं। अब ऐसा हम करते क्यों हैं, क्योंकि इससे हम फूड बॉर्न जो इलनेस होती है, जो डिजीजेज होती हैं, उनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, इसलिए हम फूड में फूड सेफ्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रूटीन्स बने हुए हैं, उन रूटीन्स को फॉलो करके हम हेल्थ हजार्ड से बच सकते हैं। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेफ्टी, ठीक है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टॉक्सोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल हजार्ड, यानी कि जो हम फूड में जो टॉक्सोलॉजिकल यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक रिएक्शन कर सकते हैं उनसे, और जो माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि बैक्टीरिया या फंगस से होने वाले जो बीमारियाँ हैं, जो हजार्ड हैं, उनसे बचने के लिए फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी की जो प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस हैं वो पूरी तरीके से अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका ठीक तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी फूड सेफ्टी के द्वारा वहाँ पर मेजर किया जाता है। यानी कि हर तरीके से फूड बॉर्न इलनेस से बचने के लिए या हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फूड सेफ्टी के प्रोसीजर्स का पालन करें। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है जिनका यूज़ हम बॉडी की अदर एक्टिविटीज़, चाहे वो ब्रीथिंग हो, डाइजेशन ऑफ फूड हो, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो कि हमें न्यूट्रिएंट से मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट के लेवल को फूड में बनाए रखने के लिए हमें फूड सेफ्टी का जो प्रोसीजर्स हैं उन सभी को पालन करना होता है, ताकि जो कंज्यूमर होता है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें हेल्थफुल डाइट प्रोवाइड हो सके, ठीक है। यानी कि फूड में जो न्यूट्रिएंट का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि किस तरीके से फूड को कुक करना चाहिए, कितने टाइम तक कुक करना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिएंट लेवल बना रहे, ये सभी को हम फूड सेफ्टी प्रोसीजर के द्वारा ही अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्वालिटी। प्रोवाइडिंग सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टेस्ट, अरोमा, पैटेबिलिटी एंड अपियरेंस। फूड किस तरीके का होना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए उसका, बिटर होना चाहिए, सॉल्टी होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, उसका अरोमा कैसा होना चाहिए। आप ख़राब खुशबू वाले खाने नहीं खाएंगे, आप अच्छी खुशबू वाले खाएंगे, तो अरोमा बहुत अच्छा होना चाहिए, पैटेबिलिटी स्वादिष्ट होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट लीस्ट अपियरेंस, कि फूड किस तरीके का दिखना चाहिए, ये सभी के लिए भी फूड सेफ्टी में प्रोसीजर्स बनाए गए हैं जिनके अचीव करके हम फूड को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस फूड बॉर्न इलनेस, ठीक है। तो
फूड सेफ्टी के द्वारा स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से फूड को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, ये सभी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं, ताकि जो फूड बॉर्न इलनेस है उसे हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, कभी कभी ओवर कुक फूड करने से या रॉ हो जाने से, कच्चा रह जाने से फूड, वो उसमें डिजीजेस कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फूड सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस फूड वेस्टेज। ठीक है, नॉट ओनली द पब्लिक हेल्थ रिस्क बट आल्सो अफेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड वेस्ट। ठीक है, हेल्थ की वजह से भी नुकसान होता है, तो हम जो फूड वेस्ट कर रहे हैं उनसे भी नुकसान होता है, उनसे भी बचने के लिए फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फूड सेफ्टी। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप फूड की हर जगह पे होती है फूड सेफ्टी की, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग हो, या पॉइंट ऑफ सेल हो, या फिर प्रिपरेशन होता है, कंज्यूमिंग होती, तो हर जगह पे फूड सेफ्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि हम अच्छा फूड गेन कर सकें और उनसे हेल्थ हज़ार्ड ना हो। तो अब देखते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो फूड सेफ्टी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस आर अप्लाइड टू फूड फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, मैनुफैक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर, यानी अनाज उगाने से लेकर उसके एंड प्रोडक्ट बनने तक। ठीक है, जैसे अपने राइस लिया, राइस को अपने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसकी कटिंग की, उसमें प्रोसेसिंग की, उसके बाद उसका पैकेजिंग किया, फिर सेल किया, हर एक चीज़ तक, फिर कस्टमर तक पहुँचते तक, कंज्यूमर तक पहुँचते तक, हर स्टेप पर फूड सेफ्टी के प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन ऑल रॉ मटेरियल्स, यानी जितना भी आपका अनाज जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनके भी प्रोसेसिंग एड्स, यानी सॉल्ट, शुगर, जितने भी प्रोसेसिंग एड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि फूड को किस तरीके से पैकेज किया जाता है, पैक किया जाता है, किन जगह पर हम कुकिंग कर रहे हैं, किन जगह पर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन सभी जगहों पर फूड सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड सेफ्टी। इसमें सबसे पहले आता है मटेरियल सेफ्टी, यानी कि अगर हम फूड कुक कर रहे हैं, फूड कंज्यूम करने के लिए कुक कर रहे हैं, तो किस तरीके का मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरीके के रॉ मटेरियल यूज़ करने चाहिए, किस तरीके के इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तो हमारा फूड भी अच्छा बनेगा, लेकिन अगर हम ख़राब यूज़ करेंगे तो हमारा फूड वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें मटेरियल सेफ्टी वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर प्रोसेस सेफ्टी। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है जो हम प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का हम प्रोसीजर वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस प्रोसीजर से हम कुक कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को बेक करना और उसको हम फ्राई कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पर नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है। प्रोसीजर में अगर हम क्लीनलीनेस ध्यान नहीं रखते हैं, प्रोसीजर के टाइम पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो साफ़ है कि नहीं है, इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं, या फिर जो हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जिस यूटेंसिल्स, जिस बर्तन में हम उसे बना रहे हैं, वो सब साफ़ नहीं है, प्रोसेस को हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वहाँ पे आपका जो फूड है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, आपको टाइम भी ध्यान रखना है कि इतने टाइम में ही आपका फूड बनना चाहिए, ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो वो भी नुकसानदायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट सेफ्टी। इक्विपमेंट का मतलब होता है आप किन चीज़ों में उन्हें बना रहे हैं, वो चीज़ें साफ़ हैं कि नहीं है, आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं, या जो भी आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, जो भी जितने भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इवन फैक्ट्रीज़ में जिन इक्विपमेंट में फूड तैयार किया जाता है, वो इक्विपमेंट टाइम टू टाइम साफ़ होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें भी फूड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है मैन सेफ्टी। अगर कोई इंसान बीमार है और वो हमारे फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, और मान लो उसकी इलनेस, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बीमारी के, वो हमारे फूड में चले गए, तो वो दूसरों को भी नुकसान कर सकता है। तो हमें मैन सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है कि उनकी वजह से, यानी उनके पर्सनल हाइजीन की वजह से किसी को कोई भी फूड बॉर्न इलनेस ना हो। लास्ट इसमें आता है प्रोडक्ट सेफ्टी। प्रोडक्ट सेफ्टी का मतलब होता है जो हम फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें जब उसको कंज्यूम करने वाले होते हैं, उससे पहले हमें उन्हें का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सपायर तो नहीं हो चुके हैं, ठीक है, या उनका टाइम ख़त्म तो नहीं हो गया है, या फिर उसका टेस्ट कुछ ख़राब तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये सभी फैक्टर्स फूड सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू।